मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी हर खुशी है मेरे पापा, जो लाखों में एक है कि मेरी जान है मेरे पापा। थैंक यू सो मच मुझे दुनिया की सारी खुशी देने के लिए। आई लव यू सो मच। मैं डरती नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से। मैं डरती नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से। मैं जानती हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। वो झुरियों भरे हाथ मेरे सर पे है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रौब जिंदा है। कयामत भी क्या बिगाड़ पाएगी मेरा, अभी तक मेरा बाप जिंदा है। जी हाँ, पापा चार अक्षर का एक छोटा सा शब्द है। लेकिन यह शब्द सुनते ही मेरे अंदर का मौसम बदल जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं अपने पापा का गरूर हूँ। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के साथ आपके सामने सेकंड ए क्लास के बच्चे परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। सो एनकरेज देम बाय योर ग्रेट क्लैपिंग। बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में दो बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा। मैडम सुनो, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल में छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ,
Bum 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 b